और केंद्र सरकार के आदेशों के बाद उत्तराखंड में भी लॉकडाउन को लेकर और ज्यादा सख्ती कर दी गई है। उत्तराखंड के बॉर्डर पहले से ही सील किए जा चुके थे, अब जिलों की सीमाएं भी सील कर दी गई हैं। अब राज्य के दूसरे जिले से भी कोई शख्स आ जा नहीं सकता। वाहनों में आने जाने के साथ ही पैदल चलने पर भी रोक लगा दी गई है। हर तरह से मूवमेंट को रोका जा रहा है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद सख्ती बढ़ी हुई है। आप राज्य के भीतर कहीं भी क्या, आप एक जिले से दूसरे जिले में भी नहीं जा सकेंगे, पैदल भी नहीं। सख्ती बढ़ी लॉकडाउन को लेकर। पहले से ही जो हमारा स्टेट बॉर्डर है वो भी सील है, जो दूसरे राज्यों से लगता है। इसके अलावा जिले की भी सीमा सील की गई है, जो राज्य के अन्य जनपद है वहां से भी अब आना जाना प्रतिबंधित है। बहुत सारे लोग पहले, शुरुआत में कुछ लोगों को ऐसा हो रहा था, कुछ मैसेजेस वगैरह के जरिए जो हो रहा था कि लोग पैदल जाने की कोशिश कर रहे थे, अब उन सभी को रोक दिया गया है। जगह जगह अब हम सिटी के अंदर भी बैरियर लगा रहे हैं। और केंद्र सरकार के आदेशों के बाद उत्तराखंड में भी लॉकडाउन को लेकर और ज्यादा सख्ती कर दी गई है। उत्तराखंड के बॉर्डर पहले से ही सील किए जा चुके थे, अब जिलों की सीमाएं भी सील कर दी गई हैं। अब राज्य के दूसरे जिले से भी कोई शख्स आ जा नहीं सकता। वाहनों में आने जाने के साथ ही पैदल चलने पर भी रोक लगा दी गई है। हर तरह से मूवमेंट को रोका जा रहा है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद सख्ती बढ़ी हुई है। आप राज्य के भीतर कहीं भी क्या, आप एक जिले से दूसरे जिले में भी नहीं जा सकेंगे, पैदल भी नहीं। सख्ती बढ़ी लॉकडाउन को लेकर। पहले से ही जो हमारा स्टेट बॉर्डर है वो भी सील है, जो दूसरे राज्यों से लगता है। इसके अलावा जिले की भी सीमा सील की गई है, जो राज्य के अन्य जनपद है वहां से भी अब आना जाना प्रतिबंधित है। बहुत सारे लोग पहले, शुरुआत में कुछ लोगों को ऐसा हो रहा था, कुछ मैसेजेस वगैरह के जरिए जो हो रहा था कि लोग पैदल जाने की कोशिश कर रहे थे, अब उन सभी को रोक दिया गया है। जगह जगह अब हम सिटी के अंदर भी बैरियर लगा रहे हैं। और केंद्र सरकार के आदेशों के बाद उत्तराखंड में भी लॉकडाउन को लेकर और ज्यादा सख्ती कर दी गई है। उत्तराखंड के बॉर्डर पहले से ही सील किए जा चुके थे, अब जिलों की सीमाएं भी सील कर दी गई हैं। अब राज्य के दूसरे जिले से भी कोई शख्स आ जा नहीं सकता। वाहनों में आने जाने के साथ ही पैदल चलने पर भी रोक लगा दी गई है। हर तरह से मूवमेंट को रोका जा रहा है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद सख्ती बढ़ी हुई है। आप राज्य के भीतर कहीं भी क्या, आप एक जिले से दूसरे जिले में भी नहीं जा सकेंगे, पैदल भी नहीं। सख्ती बढ़ी लॉकडाउन को लेकर। पहले से ही जो हमारा स्टेट बॉर्डर है वो भी सील है, जो दूसरे राज्यों से लगता है। इसके अलावा जिले की भी सीमा सील की गई है, जो राज्य के अन्य जनपद है वहां से भी अब आना जाना प्रतिबंधित है। बहुत सारे लोग पहले, शुरुआत में कुछ लोगों को ऐसा हो रहा था, कुछ मैसेजेस वगैरह के जरिए जो हो रहा था कि लोग पैदल जाने की कोशिश कर रहे थे, अब उन सभी को रोक दिया गया है। जगह जगह अब हम सिटी के अंदर भी बैरियर लगा रहे हैं।